हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे शलगम की सब्जी किस तरीके से बनाएं ताकि ये बहुत ही स्वादिष्ट बने और बनाना भी बहुत आसान है। सिंपल सी सब्जी है। इसके लिए हमने 250 ग्राम शलगम लिए हैं। इस तरह से ये शलगम आते हैं। दो प्याज को बारीक काट लें, लहसुन अदरक बारीक काट लें, दो हरी मिर्च काटी है, एक टमाटर बड़ा सा लिया हुआ था उसको बारीक काट लिया, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा और थोड़ा सा पानी और सरसों का तेल। पहले शलगम का हमने छिलका उतार के छोटे छोटे पीस काट लेने हैं। शलगम को हमने पीस काट लिया और इसको हमने धो लिया है। अब हमने गैस पर कुकर रखा, उसमें सरसों का तेल डाला, तेल गर्म हो गया। अब इसमें सबसे पहले लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन कलर आने तक भूनना है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक, सब एक साथ डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और इसके बाद हमने टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के भी इसको हमने भूनना थोड़ी देर, जब तक कि हमारे टमाटर ना गल जाएं। मसाला हमारा हो चुका है, टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हमने शलगम डाल देंगे और शलगम डालने के बाद इसको 2 मिनट तक भूनेंगे हम इसी तरह से। उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा पानी, इतना सा पानी डालना है और इसको एक बिसल लगवानी है। हमने शलगम की सब्जी को एक बिसल आने के बाद खोल लिया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी, अगर आप चाहो तो उसको सुखा सकते हो और इसी तरह पानी छोड़ के भी गिली भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। हम थोड़ा सा इसको पानी सूखने देंगे 2 मिनट, फिर गैस को बंद कर देंगे। हमारी सिंपल सी शलगम की सब्जी खाने को तैयार है। आपने देखा होगा बहुत ही आसान तरीके से बनाई है, ना ज़्यादा मसाले डाले, फिर भी स्वाद ऐसा कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।